नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूक्रेन वॉर कभी भी विध्वंसक हो सकता है, इतना विध्वंसक कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, क्योंकि खतरा अब सीधे अमेरिका पर भी है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखा यही जा रहा और कहा भी यही जा रहा है कि नेटो के लिए बहुत कुछ ठीक नहीं है। पुतिन की ओर से एटमी हमले तक का खतरा है, ऐसी आशंका खुद नेटो देशों के नुमाइंदे जता रहे हैं, क्योंकि संभावित विध्वंस के जो प्रमाण मिल रहे हैं वो मामूली नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि दबाव बढ़ा तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, कुछ भी। और देखिए, इसी को लेकर बड़ी फॉर ब्रेकिंग आपके सामने। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का हमला हुआ है, वह बोर्वे में रूस का यह बहुत बड़ा हमला। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेनी, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वह बोर्वे में रूस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया। जानकारी यह सामने आ रही कि यूक्रेनी ठिकाने पर रूस की तरफ से हमला बोला गया। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, खबर यह है कि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी यूक्रेनी मिलिट्री की तरफ से, यूक्रेनी सेना की तरफ से, और इसी बीच ये बड़ा हमला बोला गया। और देखिए, एक और बड़ी खबर, पुतिन पर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा आरोप लगा है। खबर यह है कि विश्व युद्ध करा सकते हैं पुतिन, ये कौन बोल रहा है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की खुद ये बोल रहे हैं। यूएस यूरोप के खिलाफ पुतिन साजिश रच रहे हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरे हिटलर बन चुके हैं पुतिन। ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत बड़ा बयान, यानी अब सीधे कह दिया गया है कि विश्व युद्ध होकर रहेगा और यह कौन कराएगा? यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति ऐसा करा देंगे। तो यह बहुत बड़ा बयान दिया गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान जो दिया गया है बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर है, इसको समझना बहुत जरूरी है, पूरे विश्व को चिंता में डालने वाला। देख लेते हैं, आइए बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लेकर क्या कुछ कहा। यहां पर आप देखिए ज़ेलेंस्की का आरोप क्या है, पुतिन अपनी करतूतों से विश्व युद्ध करा सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। पूरे विश्व को सोचना है कि पुतिन को अब कैसे रोका जाए, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता नजर आ रहा है। हम पुतिन की फितरत को बदल नहीं सकते, यह बयान भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिया। रूस का पूरा समाज दुनिया में प्रतिष्ठा खो चुका है, ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान दिया गया है, यानी विश्व युद्ध 3 की आहट है। यहां पर पुतिन को बार बार चुनकर रूस ने उन्हें दूसरा हिटलर बना दिया है, यह तमाम बातें कही जा रही है। पुतिन अमेरिका और यूरोप को अस्थिर करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की? पुतिन इसके लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल तक कर सकते हैं। तो यहां देखिए, वर्ल्ड वॉर की बात तो बोल रही है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 तो छिड़ सकता है, लेकिन साथ ही परमाणु युद्ध होकर रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। इधर रूस के शहरों पर यूक्रेन के घातक हमलों के बाद पुतिन ने ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों के अंदर ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह से रूस के शहरों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया, उससे रूसी खेमे में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह भी है, यूक्रेन ने ड्रोन का प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके ड्रोन हमले पिछले दिनों रूस के खिलाफ बहुत कारगर साबित रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। यूक्रेन ने बीते कुछ दिनों में युद्ध का रुख पलट कर रख दिया है। आधा सितंबर बीतते बीतते यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर इतना बारूद बरसाया है कि पुतिन बड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुके हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले इतने बढ़ गए हैं कि उसके टारगेट से रूस की राजधानी मॉस्को भी नहीं बची। यूक्रेन मॉस्को के आसपास लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सितंबर में दूसरी बार मॉस्को पर हमले की कोशिश की,
मॉस्को के पास रामिंस्की में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया है कि मॉस्को से 40 किलोमीटर दूर इस्त्रा में यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के पास यूक्रेन के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। रूस के दो इलाकों में एक साथ हमले से मॉस्को के आसपास अलर्ट कर दिया गया है। मॉस्को एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। रूस के ओरियोल इलाके में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में एक बार फिर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया पर दो बार ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया में रूस ने 4 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन का कोई भी ड्रोन टारगेट को हिट नहीं कर सका। आपको याद दिला दें, 13 सितंबर को भी क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला किया था। सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने 2 रूसी वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि उसका ड्रोन हमला और तेज होगा, इसीलिए तेजी से यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल की तुलना में उसका ड्रोन उत्पादन अब तक 100 गुना बढ़ा है। इस साल के अंत तक यूक्रेन ड्रोन का प्रोडक्शन 120 से 140 गुना बढ़ाएगा। मतलब साफ है कि यूक्रेन के रूस पर हमले और तेज होंगे। पिछले कुछ दिनों से रूस के शहर यूक्रेन के लगातार टारगेट पर हैं। यूक्रेन के हमलों के दायरे में जो रूसी इलाके खास तौर पर निशाने में हैं, उनमें मॉस्को, बेलगोरोद, क्रीमिया, रोस्तोव और कुर्स्क हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की इस हिमाकत का बदला पुतिन जल्द ही लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 21 सितंबर तक युद्ध में बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन प्रतिशोध इसलिए भी शुरू हो रहा है क्योंकि यूक्रेन लगातार रूसी बेस और रूसी शहरों पर घातक ड्रोन हमले कर रहा है। यही नहीं, यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को पिछले 5 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के हथियारों से हमले कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से जमकर हमले किए। पिछले दिनों सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने सेवेस्टोपोल के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल और समुद्री ड्रोन से टारगेट किया। सेवेस्टोपोल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर तो है ही, वो ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इसी वजह से सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को यूक्रेन के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। हमले में रूस की एक शिप और एक सबमरीन भी तबाह हो गई। इससे रूस का कुल अनुमानित नुकसान 3,325 करोड़ रुपए आंका गया है। यूक्रेन ने पिछले दिनों क्रीमिया के तटीय शहर पतोरिया में भी जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन से
येवपतोरिया पर हमले करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाए। पिछले 5 दिनों में यूक्रेन ने एक ही दिन में एक साथ रूस के 3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन के दावों के मुताबिक सारातोव में उसका हमला कामयाब भी रहा। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव शहर दक्षिण पश्चिम रूस का एक अहम शहर है। पिछले दिनों यूक्रेन ने इस रूसी शहर को अग्निकुंड बना दिया। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोद और ब्रियांस्क पर भी जबरदस्त बमबारी की। रूस का दावा है कि यूक्रेन के हाल के हमलों में नेटो की सक्रिय हिस्सेदारी रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। पुतिन ने ब्लैक सी से बाल्टिक सी और कैस्पियन सागर तक न्यूक्लियर बाउंड्री तैयार कर दी है। इतना ही नहीं, पुतिन लगातार जल, थल और आसमान से यूक्रेन की एटमी घेराबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के पास बॉर्डर वाले इलाकों में रूसी परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो रही है। रूस ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर और महाविनाशक सबमरीन से एक साथ अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मतलब साफ है कि यूक्रेन और नाटो देशों को जवाब देने के लिए 21 सितंबर तक रूस भीषण प्रहार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, यूक्रेन वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही कि यूक्रेन वॉर में हो सकता है एटमी हथियारों का इस्तेमाल। एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये खबर आ रही है। दरअसल इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। अभी हमने आपको दिखाया था कि ज़ेलेंस्की भी ऐसी संभावना जता चुके हैं, ऐसा खतरा वो भी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में तबाही के संकेत दिए गए, यानी कि फिनलैंड के राष्ट्रपति भी ये बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूक्रेन युद्ध में पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं कि पुतिन करेंगे एटमी हमला। अब ये जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है, क्या मायने है, ये आप समझिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये इंटरव्यू है जिसमें बयान निकलकर आया है, यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का बहुत गंभीर खतरा है, ये फिनलैंड की तरफ से कहा जा रहा है। यूरोपीय देश वॉर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें, इस बात को लेकर भी वार्न किया गया। साथ ही क्या कहा जा रहा है, यूक्रेन वॉर कभी भी भीषण रुख अख्तियार कर सकता और भी ज्यादा ये भीषण हो सकता है। जो हालात हम देख रहे हैं उससे भी ज्यादा खराब, यूक्रेन वॉर पहले विश्व युद्ध और फिर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना, यकीनन ये बात बोल रहे हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति। और साथ ही ये कहा जा रहा, हम बेहद नाजुक दौर में हैं, एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह कर देगी, ये अपने इंटरव्यू में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा। मौजूदा हालात में शांति की कोई भी गुंजाइश इस वक्त नजर नहीं आ रही, यानी किसी भी तरह कोई पीस टॉक होता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर नहीं आई, यानी कि हालात बेहद विध्वंसक और भी ज्यादा विध्वंसक होंगे। इन सब के बीच पुतिन सेना ने ऑपरेशन सर्दी को लॉन्च कर दिया है। सर्दी आने वाली है और इसी सर्दी में रूसी फौज यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करने के प्लान पर काम कर रही है। एक हफ्ते में रूसी सेना ने जिस तरह के हमले किए हैं उससे यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन कट गई है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना यूक्रेन के पोर्ट, हथियार डिपो, हथियार फैक्ट्री को तबाह कर रही है। सितंबर को अगर यूक्रेन बच गया तो सर्दी में खत्म हो जाएगा। एक महीने बाद सर्दी आने वाली है,
इसमें जो जंग होगी उसमें महाविध्वंस होने वाला है। सर्दी में पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह जमा देने वाले हैं। रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना का ऑपरेशन विंटर अभी से शुरू हो गया है। 7 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जो सर्दी की लड़ाई में यूक्रेनी सेना के लिए बहुत जरूरी होंगे। एक हफ्ते में रूसी सेना 11 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुकी है। ये हमले यूक्रेन के पोर्ट, हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम और एनर्जी ठिकानों पर हुए हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई पोर्ट तबाह हो गए, कई हथियार फैक्ट्री और गोदाम ध्वस्त हो गए, 2 एनर्जी ठिकाने जल गए। रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को इसलिए तबाह कर रहा है, इसलिए निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन इन सर्दियों में बिन बिजली और बिन गैस के जम जाए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट है। पोर्ट के जरिए ही यूक्रेनी सेना को हथियार और की सप्लाई होती है। रूस इसी सप्लाई रूट को ध्वस्त कर रहा है। इतना ही नहीं, रूसी हमलों में यूक्रेन के हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां भी जल रही हैं। मतलब ये कि यूक्रेनी सेना के पास फिलहाल जो हथियार हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। आने वाले दिनों में रूसी सेना का ये ऑपरेशन तेज होने वाला है। यूक्रेन के जो पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हैं वो भी तबाह हो सकते हैं। 1 महीने बाद सर्दी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगी यूक्रेनी सेना की लाचारी। यूक्रेनी सेना के पास ना तो हथियार होंगे ना ही बिजली और गैस। यूक्रेनी फोर्स एक तरह से निहत्थी हो जाएगी। इसका फायदा उठाकर रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला करेगी। रूसी हमले से युद्ध के मैदान में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेनाध्यक्ष का दावा है कि वो सर्दी में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सच ये है कि रूसी सेना उसकी हर तैयारी को ध्वस्त करती जा रही है। पुतिन अपने वॉर कमांडर के साथ सर्दी में महाप्रहार की रणनीति बना चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नाटो रूस की बारूदी आग से यूक्रेन को बचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है। नाटो देशों में हो रही है हथियारों की कमी, ये खबर आ रही है। यूक्रेन वॉर की वजह से हथियारों की कमी अब नाटो कंट्रीज में हो रही है। यूक्रेन में सप्लाई से खाली हो रहे हथियार के भंडार, नाटो मिलिट्री कमेटी के हेड ने इस बारे में आगाह किया। तो ये नाटो कंट्रीज के साथ साथ यूक्रेन के लिए बेहद चिंताजनक, क्योंकि खबर आ रही कि खत्म हो रहे हैं नाटो के हथियार। पूरी रिपोर्ट क्या है आप देखिए। नाटो मिलिट्री कमेटी के प्रमुख की तरफ से ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन को सप्लाई की वजह से पश्चिम के जो हथियार हैं उसका स्टॉक लगातार अब कम हो रहा है, इस बारे में जानकारी सामने रखी गई है। यूक्रेन में उम्मीदों से अधिक हथियारों की सप्लाई लगातार करनी पड़ रही है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार वहां पर हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। आर्टिलरी शेल्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से इसकी भी कमी हो सकती है, ये जानकारी भी सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही नाटो के देश महंगे हथियार खरीदने पर आज मजबूर हो गए हैं। मिलिट्री कमेटी के प्रमुख है नाटो के, वो ये बयान दे रहे हैं। नाटो देशों की सुरक्षा का बजट काफी ज्यादा बढ़ चुका है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और क्या बोला जा रहा है, यूक्रेन रोजाना 10,000 तक आर्टिलरी शेल्स फायर कर रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं इतने आर्टिलरी शेल्स की आपूर्तियां पश्चिम के लिए भी आसान नहीं होगी, क्योंकि लगातार हम देख ये भी रहे हैं कि इतनी आपूर्तियां होने के बावजूद भी ज़ेलेंस्की पश्चिम से, नाटो से और हथियार सप्लाई की मांग
रखते रहे। इन सब के बीच पुतिन चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को मिलाकर एंटी अमेरिका ग्रुप तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुतिन का हौसला पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि अमेरिका भी अब युद्ध की तैयारी में है। नेटो देशों ने एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने का प्लान भी तैयार किया है। नेटो अब खुद को एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखेगा। रिपोर्ट आप देखिए। कई युद्धपोत, जबरदस्त गोलाबारी और दुनिया के किसी भी देश को डराने वाला शक्ति प्रदर्शन। एक बार फिर बहुत बड़े घमासान की तैयारी शुरू हो गई। अभ्यास के नाम पर जिन हथियारों को जुटाया जा रहा है उससे नाटो और रूस का तनाव अब चरम पर है। रूस और अमेरिका खुद को जिस महासंग्राम के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर सचमुच वो हुआ तो संपूर्ण धरती का महाविनाश भी हो सकता है। पुतिन के तेवर को देखते हुए नाटो भी अलर्ट पर है और सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का ऐलान कर दिया गया है। नाटो की सेना उसी बाल्टिक सागर में पहुंचेगी जहां रूस ने विश्व युद्ध की तैयारी की, जहां रूस के कई युद्धपोत और बॉम्बर हर वक्त तैनात रहते हैं। शीत युद्ध के बाद नाटो का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। 2024 में नाटो के युद्धाभ्यास की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई। नाटो देशों के 40,000 से अधिक सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों के सैनिक भी हिस्सा लेंगे। नाटो देशों के 50 युद्ध पोतों को युद्ध अभ्यास करने के लिए बाल्टिक में उतारा जाएगा। युद्ध अभ्यास के दौरान 500 से 700 बार फाइटर विमान उड़ान भरेंगे। एक ही समय में दुश्मन पर कई तरफ से हमले की प्रैक्टिस होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो अब रूस की तैयारियों से चिंता में। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के मॉस्को दौरे ने भी अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी। यही वजह है कि नाटो अब किसी भी महायुद्ध से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो का युद्धाभ्यास अगले साल फरवरी या मार्च में शुरू हो सकता है। नाटो सदस्यों के अलावा इस बार स्वीडन की नेवी और आर्मी को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया जा रहा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से निपटने के लिए नाटो की कितनी बड़ी तैयारी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के लिए नाटो 35 लाख सैनिकों का इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध की शुरुआत में ही नाटो 3 लाख सैनिकों की तैनाती करेगा। रूस से युद्ध होने पर नाटो तेजी से सैनिकों की भर्ती कर सकता है। अमेरिका की कोशिश नाटो को अब हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना है। यही वजह है कि युद्ध अभ्यास के कई दौर हो सकते हैं। अमेरिका कई देशों में सैनिकों को युद्ध के लिए अलर्ट मोड में रखने वाला है, इसलिए युद्ध अभ्यास में तालमेल से लेकर रणनीति और हथियारों की ताकत की टेस्टिंग भी की जाएगी। यही वजह है कि नाटो के सभी सदस्यों को मिलाकर हमेशा 3 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाएगा। एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री ने अपने नए हथियारों का बखान किया था। मकसद नाटो देशों को धमकाना था। रूस में किम जोंग और बेलारूस के राष्ट्रपति के दौरे के बाद पुतिन अब नाटो से हिसाब चुकता करने की तैयारी में। क्रीमिया में पश्चिमी देशों के हथियार के इस्तेमाल से हो रहे धमाके ने भी पुतिन को गुस्सा बढ़ा दिया। लेकिन नाटो डरने की बजाय भिड़ने वाला है, इसका संकेत एक दिन बाद ही आ गया। अब नाटो एक बड़े युद्ध अभ्यास से रूस और अपने तमाम दुश्मनों को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि किसी भी नाटो देश पर हमले की सूरत में उसे किस तूफानी ताकत का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।
और अब आप देखें यूक्रेन के मिशन क्रीमिया को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि क्रीमिया के सेवस्टोपोल को यूक्रेन ने एक बार फिर से निशाना बनाया। सेवस्टोपोल के करीब केप फ्लुएंट में 3 मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन के हमले के बाद कई धमाके सुनाई दिए हैं। रूसी एयर डिफेंस यूनिट को यूक्रेन ने टारगेट किया। क्रीमिया पर इस महीने 5वीं बार यूक्रेन की तरफ से यह हमला बोला गया। ताजा हमला जो बोला गया इसकी तस्वीर आपके सामने। सेवस्टोपोल जो कि सबसे बड़ा नेवल बेस क्रीमिया में है इस वक्त रूस का, उसे लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो यूक्रेनी सेना मॉस्को और क्रीमिया पर 5 दिन से लगातार ड्रोन हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बात से क्रोधित क्रेमलिन ने यूक्रेन को मिटा देने का आदेश दे दिया है और इसी के बाद से रूसी सेना यूक्रेन की धरती को मिसाइलों से पाट रही है। इस वक्त यूक्रेन के आधा दर्जन शहर जल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना पर अभी तक का सबसे बड़ा आघात हुआ है। पांच दिन बाद पुतिन का मौन टूट गया है। पूरे यूक्रेन में बारूदी साइक्लोन आ गया है। रूसी सेना ने 5 जगहों पर किंजल से प्रहार किया तो यूक्रेन के 5 घातक विमानों का संहार हो गया। पूरे यूक्रेन में आग ही आग है, क्योंकि 5 दिन बाद पुतिन के प्रतिशोध का आगाज हो चुका है। से यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। यूक्रेन के निशाने पर रूस के बेस थे। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी और 1 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए थे। इस नुकसान से पुतिन और उनकी सेना बहुत गुस्से में थी। रूसी सेना ने 5 दिनों के अंदर यूक्रेन में अपने टारगेट सेट किए और अब विनाशक बदला शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को मिसाइलों से पाट दिया है। इस वक्त यूक्रेन में तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। रिवोय रोग से लेकर ब्लैक सी तक, खार्किव से लेकर डोनेस्क तक रूसी सेना ने विनाश का नया अध्याय लिख दिया है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के एयरफील्ड, हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां थी। रूस के हमले में यूक्रेन की 1 एयरफील्ड और 3 हथियार डिपो तबाह हो गए। रूसी सेना ने प्रतिशोध का ये प्रहार किंजल, क्रूज और S-300 मिसाइलों से किया। कई जगहों पर Fab 500 से भी धावा बोला गया। ये पुतिन के प्रतिशोध का आगाज भर है। अंजाम 21 सितंबर को होगा और ऐसा होगा कि जिसे देखकर दुनिया दहल जाएगी। दस सेंटर पर रूसी सेना ने घात लगा ली। 21 सितंबर को इन्हीं 10 जगहों पर यूक्रेन पर महाआघात होने जा रहा है। सितंबर को बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के पीछे अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने वाला। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन यूक्रेन को ATACMS मिसाइल दे सकते हैं।
पुतिन इसी दिन कीव समेत पूरे यूक्रेन पर महाप्रहार करने की तैयारी कर चुके हैं। रूस की तैयारी बहुत बड़ी और भयानक है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस की इन तैयारियों का जायजा लिया। रूस ने मिग-31 के फाइटर जेट को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया। किम ने इस फाइटर जेट को भी देखा। किम ने प्रशांत महासागर का भी दौरा किया। यहां उसने रूस की पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट की तैयारियों को देखा। रूस की हमले की तैयारी ऐसी है जिसके बारे में सुनकर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो का कलेजा कांप रहा है।